Hi guys, wish you very very good morning. This is me, Aishi Joshi, and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 9th of June, Tuesday, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis as we always do. The first news is malls, cafes reopen to a new normal. मैं आपको बता देती हूँ malls और cafes को again reopen जो है कर दिया गया है और new normalcy के साथ में इन्हें start किया गया है. काफ़ी social distancing and मास्क वेयरिंग एंड जो भी प्रिकॉशंस जो गाइडलाइंस होती है उसी के साथ में इन सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया गया है, नॉर्मल से लाने की कोशिश की गई है. ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन इट्स जस्ट अ ट्रिकल ऑफ विजिटर्स एट बिजनेस सेंटर्स. ओके, सो लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के बेसिस पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट की गई हैं. केरला मूव टू ओपन टेम्पल्स ट्रिगर्स नाउ ट्रिगर्स रो. बेसिकली केरला के अंदर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते रोज को ट्रिगर करने की तैयारी की जा रही है. और क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि हम 10th से स्टार्ट करेंगे, है ना. सो टुडे इज़ 9th एंड टुमारो विल बी 10th ऑफ जून. सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ नॉर्मल एरिया इन केरला. सो पॉसिबल है कि सारे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग उन सारे नॉर्म्स और जो भी जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग या जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अगर चलते हैं तो आने वाले टाइम में हमें एटलीस्ट केरला से जो है या और जहाँ पर भी नॉर्मल से आने की कोशिश की जा रही है वहाँ से हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ ना मिले जो कि COVID-19 को कहीं ना कहीं फायर अप करने का काम करे. ठीक है, सो उम्मीद है सारे नॉर्म्स और गाइडलाइंस को लोग भी फॉलो करेंगे, पब्लिक भी उन सारे गाइडलाइंस को और फिज़िकल डिस्टेंसिंग या अन्य जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है सरकार द्वारा उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी. और इस तरह की कोई भी एक गलती हमें जो कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये पॉसिबल है आने वाले टाइम में इसका बड़ा भुगतान करना पड़े, हमें नहीं और इवन हमारी फैमिली को और हमारे रिलेटिव्स को भी. सो इट इज़ कंपल्सरी कि हम जो नई नॉर्मलसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार जो प्रयास कर रही है आपको फिर से एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करवाने का, तो उसके अंदर हम सरकार को सहयोग करते हुए इस पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव सेड राजनाथ. मिनिस्टर जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का ये कहना है कि मिलिट्री लेवल की जो टॉक्स है वो पॉजिटिव देखने को मिली है. इट इज़ ऑल अबाउट LAC, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं LAC के बारे में और कुछ पॉजिटिव साइंस हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे थे. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का ये कहना है कि इंडिया का कोई कैरेक्टर नहीं है कि वो किसी भी कंट्री को हर्ट करे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे और ना ही हम लोग किसी भी तरह की जो हमारी डिग्निटी पर अगर कोई अटैक करता है तो हम उसे टॉलरेट भी नहीं करेंगे. ठीक है, सो ऑल एंड ऑल हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना तो करेंगे और ना ही टॉलरेट करेंगे जो कि किसी भी देश की जो है डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे. सो इट वॉज सेड बाय हम आर डिफेंस मिनिस्टर दैट इज़ राजनाथ सिंह. ओके, सो पॉसिबली अच्छा हमें कहीं ना कहीं उम्मीद देखने को मिल रही है LAC से रिलेटेड. लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट न्यूज़ इज हाई कोर्ट आस्क मणिपुर स्पीकर टू कीप 7 कांग्रेस MLAs आउट. हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं मणिपुर के स्पीकर को कि वो 7 कांग्रेस MLAs को आउट करे. इट इज़ ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. डिफेक्शन बेसिस पर जो है ये डिसीजन लिया गया है. खेमचंद जो है स्पीकर उन्हें ये मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि वो 7 जो कांग्रेस MLAs है उन्हें आउट करे ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन टू द BJP. ओके, द नेक्स्ट इज MSME रिवाइवल पैकेज येट टू टेक ऑफ. MSMEs से रिलेटेड आपको पता होगा
अभी रिसेंटली जो स्टिमुलस पैकेज कोविड-19 के तहत अनाउंस किया गया है उसमें मेजर एरिया कवर किया गया है MSMEs के लिए, और काफ़ी ऐसे एरियाज़ है जैसे कि नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है, इवन ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में MSME स्टार्ट हो चुकी है, और उन सारी MSMEs को अब ज़रूरत है कुछ पैसों की, कुछ हेल्प की जो कि सरकार की तरफ से उन्हें मिले और जो कि स्टिमुलस पैकेज के तहत उन्हें दिखाए गए थे, है ना। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज द स्टिमुलस पैकेज एंड गवर्नमेंट और RBI को जल्द से जल्द इस पैकेज को जो है उसकी जो फैसिलिटीज़ है अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो फैसिलिटीज़ लोगों तक प्रोवाइड करवाए। MSMEs को वास्तव में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और सरकार उन्हें सारी चीज़ें जो है ये जो पैकेज है उसके तहत जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करवाए, ठीक है। बैंक्स अभी भी वेट कर रही है कि सरकार कब उन्हें गाइडलाइंस और पैसे प्रोवाइड करवाएगी, उसके बेसिस पर वो स्टार्ट करेंगे इस सपोर्ट स्कीम के बेसिस पर, और वहीं पे पब्लिक वेट कर रही है, MSMEs वेट कर रही है बैंक की तरफ से कि वो कब वो उनके लोन्स या उनके जो फिनेंशियल जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें क्लियर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी डू दी नेक्स्ट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज LG ओवरूल्स दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने दिल्ली को, देखिए दिल्ली काफ़ी न्यूज़ में इन दिनों क्योंकि ऐसे कुछ अनाउंसमेंट सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जो है सिर्फ डेलराइट्स को ही अनुमति है कि वो हॉस्पिटल्स में, इवन हॉस्पिटल्स को अनुमति है कि वो सिर्फ डेलराइट्स को ही जो है उनका ट्रीटमेंट करें, उन्हें ही एडमिट किया जाए हॉस्पिटल्स में, अदर देन डेलीराइट जो है उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, सारी अजीबोगरीब सी बातों को देखते हुए काफ़ी हम कह सकते हैं न्यूज़ में रहा है अभी दिल्ली और दिल्ली की गवर्नमेंट, इवन दिल्ली की गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स तक भी काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिले हैं हमें इन दिनों। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की गवर्नमेंट को जो है ओवररूल करते हुए ये कहा है कि ही इज़ गोइंग टू टेक एवरी इंडिविजुअल स्टेप विच विल हेल्प नॉट इवन ओनली दिल्लीराइट्स बट इवन एवरी इंडिविजुअल, ओके। सो समवेयर इट इज़ अ गुड थिंग, उन्होंने कोविड-19 के ट्रीटमेंट से रिलेटेड या उसको रेस्ट्रिक्ट करने से रिलेटेड ये जो ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के उस पर ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने उसे ओवररूल करने की कोशिश की है, ठीक है। सो समवेयर इट इज़ गुड टू डू सो बिकॉज किसी को ऐसा इनिशिएटिव लेना होगा जो कि सरकार के गलत निर्णयों पर कार्य कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज होम लोन्स गेट चीपर एट SBI कट्स रेट। SBI कट रेट्स के बेसिस पर होम लोन जो है SBI ने जो रेट्स है उन्हें कट कर दिया है, तो उस बेसिस पर होम लोन जो है वो चीपर हो गए हैं, और हम जो है अभी एट प्रेजेंट होम लोन्स ऑलरेडी, देखिए होम्स और लैंड्स ऑलरेडी थोड़ा सा अभी जो है कम रेट में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उसके चलते सरकार द्वारा जो है SBI द्वारा रेट्स कट कर दी गई है, तो उन रेट्स को कट करने के बेसिस पर भी जो है लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लैंड परचेज करने के लिए। द नेक्स्ट इज नॉट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रिफ्यूजिंग टू ट्रीट पेशेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, ओके। तो ये जो है स्टेटमेंट आया है आम आदमी पार्टी का कि हमने जो डिसीज़न लिया था कि हम ओनली डेलीराइट्स को ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो ऐसा रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं कि वो पेशेंट्स को कोविड-19 के पेशेंट्स को एंट्री नहीं देंगे जो कि दूसरे स्टेट से है, ऐसा नहीं है। हम सारे ही हॉस्पिटल्स को जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा चुके हैं और काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एडमिट कर रहे हैं, जैसे कि लोकनायक हॉस्पिटल है एडमिट्स पेशेंट्स विदाउट चेकिंग पेपर्स, पेपर्स को चेक किए बिना ही वो पेशेंट्स को एडमिशन ऑलरेडी दे रहे हैं, है ना। तो इस बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए बात कही है। द नेक्स्ट इज वुमेन डब्ड या डब्ड ऑफ ₹1 crore बाय गॉडमैन एंड फ्रेंड, FIR लॉज्ड। बेसिकली हुआ क्या है, जो FIR
एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। एक वुमेन जो है उसे जो है उसके गॉडमैन या और फ्रेंड ने मिल करके और ठग लिया है, 1 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे जो है जो कि उनको जो दोनों बेटे हैं वो एवल्स के समथिंग कुछ चक्कर में हैं। इस बेसिस पर उन्हें जो है उनके साथ में 1 करोड़ रुपए की ठगी अब तक की है। लेकिन हम आपको बता दें कि उसके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च कर दी है एंड पुलिस और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने बेसिस पर इसकी तहकीकात और कार्यवाही कर रहे हैं। बट स्टिल इट इज़ अ लर्निंग दैट वी शुडेंट बी गो थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। गॉडमेंस एंड ऑल जो ये एक्टिविटीज़ होती है, या स्पिरिचुअल होना इट इज़ गुड एंड गॉड जो होना, गॉड बिल्कुल है, बिलीव होना चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव टू बी, बिकॉज एक डिवाइन पावर होती है और उस पर बिलीव होना चाहिए। एंड समवेयर जो पर्सन है जो हमें इंडिकेट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें लेके जाता है उन सारी चीज़ों से, जो हमें, मैं कह सकती हूँ, अवगत करवाता है, या जो भगवान है या डिवाइन पावर से मिल जो करवाने की कोशिश करते हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसे पर्सन जो आपके साथ में इस तरह की ठगी करें, या ये आपको भगवान का रास्ता दिखाने के लिए या गॉड की तरफ ले जाने के लिए जो रास्ता है उसके लिए आपसे पेमेंट ले, तो ये किसी भी एंगल से जो है कोई पॉजिटिविटी या हम कह सकते हैं कोई जो रियलिस्टिक चीज़ नहीं लगती है। सो वी शुड अवॉइड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन हॉस्पिटल एडमिशन चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे हाई सॉरी हॉस्पिटल्स में एडमिशन से रिलेटेड, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स दिए कि कोई और जो स्टेट का पर्सन है वो आकर के हमारे स्टेट के अंदर जो है हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं होंगे, और सरकार जो है हॉस्पिटल्स जो है उन्हें एडमिशन नहीं देगी अपने हॉस्पिटल्स में। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स निकाले गए थे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, उन्हें हाई कोर्ट में जो है उनके अगेंस्ट पिटीशन साइन कर दी गई है। द नेक्स्ट इज ईट्रीज टेम्पल्स पालिका बाजार टेक प्रिकॉशंस। देखिए सब जगह स्टार्ट हो गए हैं, ईट्री स्टार्ट हो चुकी है, टेम्पल स्टार्ट हो चुके हैं, पालिका बाजार स्टार्ट हो चुके हैं, बट हेयर इट इज़ अ फैक्ट दैट अभी भी नॉर्मलसी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, और वो सबसे बड़ा टास्क है कि आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मास्क वेयर करते हुए, इम्पॉर्टेंट जो भी गाइडलाइंस है सरकार द्वारा इशू की गई उन सबको फॉलो करते हुए कैसे आप इन सारे एरियाज़ की तरफ रुख करते हैं, कैसे आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और उनके जो है उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, या हॉस्पिटल्स तो सॉरी ऑलरेडी ओपन थे, होटल्स ले लीजिए या ईट्रीज ले लीजिए या टेम्पल्स ले लीजिए, और मार्केट्स हैं पालिका मार्केट्स, तो इस तरह की जो प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य जो वेयरिंग ऑफ मास्क एंड ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, और ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जो हमारी किसी भी तरीके से हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाए। ओके, द नेक्स्ट इज़ मॉल्स रीओपन बट शॉपर्स स्टे अवे। मॉल्स जो है वो रीओपन कर दिए गए हैं, बट स्टिल हमें वहाँ पे गैदरिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि जो शॉपर्स हैं वो अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल को फॉलो कर रहे हैं, नो टचिंग पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, और लोग भी इस चीज़ को लेकर, पब्लिक जो है, इंडिविजुअल्स भी इस चीज़ को लेकर अवेयर है कि उन्हें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जो उन्हें कोविड-19 से की तरफ लेकर जाए, और जो इतने 2-3 महीने से जो लॉकडाउन्स, क्वारंटाइन्स, ये सारे जो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो पॉजिटिव वे में जो है कोविड-19 से दूर होते चले जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्टिविटी जो है उन्हें इन चीज़ों की तरफ धकेल दे। ठीक है, काफ़ी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में इन सारी शॉप्स को और मॉल्स को ओपन किया गया है। इवन काफ़ी शॉपर्स जो है वो अलाउ भी नहीं कर रहे हैं ओवरऑल लोगों को कैसे भी एंटर करने के लिए। ठीक है,
The next is girl who exposed buyer's locker room receiving threats. मैं आपको बता देती हूँ, buyer's locker room boys locker room है ये. basically काफ़ी conflicts देखने को मिले, काफ़ी लंबा issue भी चला कुछ जो है 18 और approximately इससे कम below this age जो है students का Instagram group है ये, और उसके बेसिस पर दिल्ली स्टूडेंट्स का भी ग्रुप है ये, जिसके अंदर काफ़ी हर तरह की टॉक्स की जाती है. उसी में जो है एक डिस्कशन चला जो कि बेस्ड था गैंग रेप पर, है ना. सो काफ़ी डिस्कशन चल रहा था इस मैटर पे, और काफ़ी एक गर्ल ने इस मैटर को एक्सपोज किया, बाहर लेकर आई कि इस तरह के डिस्कशंस चलते हैं और गैंग रेप्स एंड ऑल. तो इस तरह के जो इश्यूज़ या और भी जो ऐसे इश्यूज़ जो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए इस लड़की द्वारा जो ये स्टेटमेंट लेकर आई थी वो बाहर, जिसने इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए थे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी इसके रिगार्डिंग, तो उसे जो है अब धमकी दी जा रही है, कई तरह के थ्रेट्स जो है उसे फेस करने पड़ रहे हैं, और कई तरह के जो है उसे ये सारी चीज़ें एक्सपोज करने, बॉयज़ लॉकर रूम को एक्सपोज कर देने के कारण उसे काफ़ी सारे जो है धमकी और कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो उसमें उसे किसी न किसी तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है. तो ये सरकार ने और पुलिस अथॉरिटीज़ ने उसे ये एश्योरेंस दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड दे विल डेफिनेटली हैव अ लुक टूवर्ड्स दिस मैटर. ओके, द नेक्स्ट इज़ प्रोटेस्ट इन पंजाब अगेंस्ट एग्री ऑर्डिनेंस. एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्डिनेंस जो रिसेंटली पास किया गया था पंजाब में, उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी अपोजिशन देखने को मिला है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे कि एग्री ऑर्डिनेंस कौन सा है, आई मीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसेंट ऑर्डिनेंस जो है कौन सा पास किया गया है, ठीक है, और क्या बताया गया उसमें. ये जो चीज़ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, द नेक्स्ट इज़ बे ऑफ बंगाल के तरफ जो है लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके चलते काफ़ी जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कोलकाता में थंडर स्टोम की, कोलकाता और एडजॉइनिंग एरियाज़ में थंडर स्टोम की जो है पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं. सो इट इज़ गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट और एरियाज़ रिक्वायरमेंट टू टेक इम्पॉर्टेंट मेजर्स. ओके, द नेक्स्ट इज़ राजस्थान जॉब टॉप्स इन जॉब स्कीम. राजस्थान जॉब स्कीम्स में टॉप कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ. मनरेगा से रिलेटेड जो भी नेटिव जो स्टेट या नेटिव एरियाज़ की तरफ आने वाले लोग हैं उनको मैक्सिमम लेवल पर जो है मैक्सिमम लेवल पे उन्हें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और मनरेगा के अंदर 37% ऑफ द ईयर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल परसों, कि 37% ऑफ द ईयर जो है वर्क इन जस्ट 2 मंथ्स जो मनरेगा में हो चुका है, जनरेट हो चुका है ना. सो अपने आप पे काफ़ी अच्छा और बड़ा डेटा है ये, कि साल भर के अंदर जो 100% होना चाहिए उसका 37% जस्ट इन 1.5 मंथ कवर कर चुका है ना. और राजस्थान के अंदर तो ये स्कीम अपने आप में टॉप कर रही है, और उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो जॉब स्कीम है वो अपने आप में टॉप पर चल रही है. मनरेगा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है राजस्थान में. ओके, ऐसा कहना है राजस्थान में मनरेगा के जो चीफ हैं या हेड हैं उनका, दैट इज़ पूर्ण चंद्र किशन. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ राजनाथ सिंह सेड दैट महाराष्ट्र सीइंग अ सर्कस नॉट अ सरकार. बेसिकली महाराष्ट्र में जैसे केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं उसको लेकर कोई इम्पॉर्टेंट मेजर्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं या सरकार द्वारा ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो उनकी इस स्थिति को सुधार सके, उसके चलते राजनाथ सिंह जी का ये कहना है कि महाराष्ट्र जो है वो एक सर्कस जैसी कंडीशन क्रिएट कर चुका है, वहाँ सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है जो दूसरे एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, ना कि उन एक्टिविटीज़ में जो उन्हें COVID-19 से बचाने में हेल्प करेंगी. ठीक है, अब हम बात करेंगे साइक्लोन इम्पैक्ट की. रिसेंटली साइक्लोन ने हिट किया महाराष्ट्र में, उसके इम्पैक्ट की बात करें तो रायगढ़ के अंदर सारी रोड्स को क्लियर कर दिया गया है, और भी जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स फॉलो किए जा सकते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, साइक्लोन हिट एरियाज़ में, वहाँ पर भी काफ़ी नॉर्मलसी लाने की कोशिश की गई है और काफ़ी जो है क्लियरेंस देखने को मिला है. तो सरकार उस क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, और साइक्लोन का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था हमें वहाँ पर नेचर में. द नेक्स्ट इज़ डेली कपल ऑन बेल लॉन्ग्स टू सी अडॉप्टेड चाइल्ड. बेसिकली डेली का एक कपल है जिन्होंने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया था, और अभी कुछ टाइम पहले
जो है कुछ महीनों पहले उसे जो है वहाँ से अगवा कर लिया गया था, और वो कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में उसे फंसा दिया गया था, फंस गया था वो बच्चा। और उसी के चलते वहाँ पर जो है सरकार ने, जो हम कह सकते हैं कि रिलेटेड मुंबई गवर्नमेंट जो है, वेलफेयर मुंबई गवर्नमेंट ने जो है उसे सेव कर लिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और अब वो मुंबई के एक वेलफेयर होम में सेफ है, जहाँ पे उसकी देखभाल की जा रही है। लेकिन अभी भी वो अपने माता पिता से काफ़ी दूर है, लॉकडाउन्स के चलते, कोविड-19 के चलते जो है उन्हें अलाउ नहीं किया गया है कि वो वापस अपने एरियाज में, अपने घर पर आए वो बच्चा। ठीक है, इट वॉज़ ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड सिक्योरिटी। ये क्यों आर्टिकल डिस्कस किया है मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के देश में, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा करप्शन का केंद्र बन चुका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और सरकार इस पर कार्य कर रही है, लेकिन हमारा फोकस अभी भी इस पर नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह की जो एक्टिविटी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कार्यकर्ता है, जो ग्रुप, या हम कहते हैं ग्रुप्स जो कार्य करते हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, जिससे कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सके। ओके, द नेक्स्ट इज़, सो द नेक्स्ट सेशन इज़ बेस्ड ऑन एडिटोरियल सेक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ हु इज़ अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट। बेसिकली यहाँ पे डेफिसिट की बात की और मोनेटाइजेशन की बात की है, कि जो इन्फ्लेशन के डर के चलते, या और भी जो एक्टिविटीज़ है जो नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है, और कोविड-19 के चलते जो इश्यूज़ देखने को मिले हैं, तो डेफिसिट की और मोनेटाइजेशन की बात की है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाय द इवनिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 o'clock यू विल गेट अ वीडियो बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल ओनली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको बता देती हूँ। आज शाम तक या रात तक, आज की डेट में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके अंदर आत्मनिर्भर भारत का जो स्टिमुलस पैकेज है उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा MSMEs के लिए जो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज अनाउंस किया गया है, तो MSMEs को क्या प्रॉफिट होने वाला है, और अब तक MSMEs किस कंडीशंस में चल रही है, और इसके अलावा, इन सब के अलावा जो है, इस पूरे लॉकडाउन कोविड-19 के चलते क्या एक्चुअल सिनेरियो रहा है हमारी इकोनॉमी का, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रही है पिछले 2-3 महीनों में, और कैसे हमने इसको ओवरकम कर रहे हैं, कैसे सरकार कार्य कर रही है, कैसे RBI वर्क कर रही है, और कैसे बैंक्स वर्क कर रहे हैं, ये पूरा एक आर्टिकल जो है, ये पूरा एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा कोविड-19 के इस दौर में समझने के लिए कि कैसे सरकार और RBI या बैंक्स कैसे वर्क कर रही है, कैसे जो है हमारा जो मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, कैसे इसके अंदर जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो चल रही है, और कैसे कोविड-19 के स्टिमुलस पैकेज या अन्य दूसरे पैकेजेस को मैनेज किया जा रहा है सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के एक वीडियो में, आज जो आर्टिकल पर बेस्ड वीडियो होगा हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट LAC, LAC से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन जो हो रहा है, इमीडिएट रिजोल्यूशन, उसके बारे में बात की जा रही है। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन। बेसिकली जो है ये कहना है हमारे ऑफिशियल्स का, कि अभी रिसेंटली हमने जो बात की है, फ्राइडे को एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी, जिसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है दिल्ली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसके अलावा जो बीजिंग की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स है, उन दोनों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कॉन्टेक्ट हुआ था, और LAC से रिलेटेड लद्दाख और सिक्किम के जो इश्यूज़ है उसके बेसिस पर बात की गई थी, इंडिया और चाइना के, और चाइनीज़ ट्रूप जो कि लद्दाख और सिक्किम के पर एरियाज़ में एंटर कर चुके थे। तो इस तरह का जो डिस्प्यूट ऑलरेडी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड डिस्कशन हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिनिस्ट्री, दोनों जो देश हैं उनकी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में हुआ था, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन लेकर आया था, है ना। और ये बात हुई थी कॉप्स कमांडर विद द साउथ शिनजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर, और उसके अलावा जो कि चुशुल मोल्डो रीजन के अंदर चाइना की साइड में LAC को कंट्रोल कर रहे थे सैटरडे को, वहीं पे जो है
However, statements from both sides that the talks will continue indicate a desire to resolve the solution situation. बेसिकली उस पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में ये बात कही गई थी कि आगे भी इस बारे में चर्चा होगी और इसके बारे में डिस्कशन होगा. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ये शो करता है कि सरकार, दोनों देश की सरकारें जो है वो इस पर कार्य कर रही है और वो विलिंग है, वो चाह रही है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस पर बात की जाए और इस पर कार्य किया जाए. ठीक है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उनके बीच में लास्ट बिग स्टैंड जो था वो डोकलाम से रिलेटेड था 2013 में. टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इन द डिस्प्यूट. ओके. ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, अगर डोकलाम वाले इंसिडेंट की बात करें, इवन आफ्टर अ मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द साइडलाइंस ऑफ अ G20 समिट, G20 के समिट की जो साइडलाइंस के बेसिस पर लीडर्स के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी उस मुद्दे को उस स्तर पर सुलझाया नहीं गया था. काफ़ी हाई लेवल एंगेजमेंट्स देखने को मिले थे वहाँ पे. तो इससे 73 डेज तक काफ़ी जो है गर्मा गर्मी का माहौल रहा था. इन सब मुद्दों को देखते हुए, इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे सरकारें इस पर जो है चर्चा करना चाहती है, कार्य करना चाहती है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एंगेज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. और वो उन्हें ये लग रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो है सीरियस जो बेसिकली देखिए चाइना कहीं ना कहीं इनसिक्योर है अपने आप को COVID-19 के इस मुद्दे को लेकर या LAC के इश्यूज़ को लेकर और भी अन्य US द्वारा जो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स को लेकर या अन्य कंट्रीज़ द्वारा भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्हें पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं मिल रही है. तो उसके चलते चाइना काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ चुका है, एग्रेशन को जो है अडॉप्ट कर चुका है. तो उन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो उसके बावजूद भी सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य कई सारे ऐसे जो वेज़ हैं जिसके थ्रू जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है. और सरकार ने ये भी कहा है कि हम किसी के भी जो आत्म हम कह सकते हैं विश्वास है या आत्मरक्षा पर जो है हम लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन मार्क या पॉइंट आउट नहीं करने में बिलीव करते हैं और उसे ठेस नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन हम अपनी डिग्निटी पर भी किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देंगे. ठीक है. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं. गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस फार, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल पुट आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस पब्लिकली, बट इन एनी इवेंट दे मस्ट बी सॉर्ट. अब ये बात आ रही है कि अगर वो पब्लिकली करना चाहती है, लोगों का ये कहना है, अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि सरकार द्वारा या मिनिस्ट्रीज़ द्वारा जो ये इस मुद्दे पर कार्य किया जा रहा है वो भले ही आप इंडिविजुअली कीजिए, पर्सनली कीजिए, नो मैटर एट ऑल, लेकिन बस ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो. हमें या आम जन को सिर्फ इसी से मतलब है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को इन दिनों झेल चुके हैं. तो हम एक नया कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं है, उसके चलते हमें इंस्टेंटली इस पर कार्य करना होगा और मिनिस्ट्रीज़ को भी इस पर वर्कआउट करना होगा और वो कर भी रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज द क्रिटिकल रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेज. डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेज की बात की है, उनका जो क्रिटिकल रोल है उसके बारे में बात की है. स्ट्रेटजीज इन टैकलिंग द COVID-19 क्राइसिस मस्ट इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट्स. देखिए जो सेंट्रलाइज्ड स्कीम है सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होकर चल रहा है ना, तो सरकार की ज़रूरत है कि वो अभी डिसेंट्रलाइज्ड कर दे पावर्स को, रिस्पॉन्सेज को, रोल्स को डिसेंट्रलाइज कर दे, जिससे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, लोकल बॉडी जो है, वो अपने दायित्वों को समझकर उन दायित्वों के आधार पर कार्य करना शुरू कर दे, है ना. एंड क्राइसिस ऐसे क्रिएट हो चुके हैं COVID-19 के कि इनको हैंडल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और उस स्ट्रेटजी में लोकल गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करना होगा और उन्हें फिजिकली जो है एम्पावर्ड करना होगा, उन्हें इक्विप करना होगा, उन्हें एंगेज करना होगा इन सारी एक्टिविटीज़ में जो कि COVID-19 की इस क्राइसिस को रोकने में हेल्प करेगी. ये कहना है MAUMEN का. बेसिकली इनका बिल्कुल सही कहना है, ये आर्टिकल बहुत पॉजिटिव आर्टिकल है और बहुत अच्छा लॉजिकल बातें कहता है और काफ़ी जो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरीके से स्कीम को मैनेज करने, स्कीम्स को लॉन्च करने और भी जो एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकती है सरकार लोकल फिनेंसिंग के थ्रू या लोकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा आर्टिकल है
और उस पर सरकार के क्रिटिकल रोल को बताया गया है ना, डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेज को बताया गया है, और इवन दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट टू डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटीज़ और पावर्स, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट लोकल बॉडीज़ को नीड है। देखिए जिस तरीके से COVID-19 फैल रहा है, वहाँ पर लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट्स ही वर्क कर सकती है, हर जगह पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। तो उस कंडीशन में सरकार की ज़रूरत है कि वो इस तरह की प्लानिंग करें कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चलते हुए आगे बढ़ते हुए और एक्टिविटीज़ को जनरेट किया जा सके, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ भी सम्मिलित हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड गो फॉर इट। आप लोग पढ़ेंगे इसे खुद से, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, सेलिंग स्पेस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। रिज्यूम डायलॉग विथ नेपाल नाउ, नेपाल के साथ में अभी भी जो है रिज्यूम करने की ज़रूरत है, डायलॉग्स को बातचीत करने की ज़रूरत है। इंडिया शुड टेक अ लीड इन एंडिंग द डेडलॉक। देखिए जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल है, तो सरकार को, देखिए नेपाल की गवर्नमेंट जो है, नेपाल के इंडिविजुअल्स जो है, जो उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो इन सारे मुद्दों को सुलझाने की कोई इच्छाएँ उनमें दिखाई दे रही है। तो उस कंडीशन में हमारी सरकार की ज़रूरत है, इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू रिज्यूम द डायलॉग्स एंड इट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज़। अब ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट को ही लेना होगा, ठीक है, और इंडिया को लेना भी चाहिए। तो इस तरह का ये जो आर्टिकल है, ये अतुल के ठाकुर और यशवंत सिन्हा द्वारा दिया गया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी। नेपाल के साथ में हमारे रिश्तों को और रिश्तों के बिगड़ते हुए सुगौली की संधि रिलेशंस का जो इश्यूज चल रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारे इश्यूज़ को देखते हुए जो है नेपाल के साथ में जो हमारी बातचीत है, उसको हम कह सकते हैं उसको जो है इंसिस्ट करते हुए, उन पर फोकस करते हुए इस आर्टिकल को दिया गया है कि हमें अब भारत को ज़रूरत है कि वो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ चल रही है या इस तरह की जो डेडलॉक्स देखने को मिल रहे हैं, उसे ओवर करने के लिए इनिशिएटिव लेना होगा, बिकॉज नेपाल की गवर्नमेंट हमें इस मूड में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ फाइटिंग सी ब्लाइंडनेस। ओके, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड ठीक है, अब तक हम सारे आर्टिकल्स आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। द ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इसके कंसर्न्स रिलेटेड ई समिट्स की बात की गई है, और ये भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ई डिप्लोमेसी से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। जो समिट्स जो जो है हम कह सकते हैं एक्सटेंड हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, इवन कैंसल्स भी हुए हैं काफ़ी समिट्स, तो उनके चलते उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात की गई है कि एक एक्सपेरिमेंट ई डिप्लोमेसी की तरफ भी लेना चाहिए। ये सारे समिट्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य जो भी इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू जो इस्तेमाल करके और जो रिलेशंस मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं, उनके लिए ई डिप्लोमेसी का एक एक्सपेरिमेंट भी बनता है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आज के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, ट्रैवल लिंक्ड केसेस स्पाइक इन सदर्न स्टेट्स में ट्रैवल लिंक केसेस की बात की गई है, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और जो केरला है, यहाँ पे जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तिरुमाला टेम्पल ओपन्स इट्स डोर फॉर दर्शन ट्रायल रन, एक ट्रायल रन लिया गया है, तिरुमाला के टेम्पल को, उसके दरवाज़ों को ओपन कर दिया गया है दर्शन के लिए। सो व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन, कैसे कार्य होगा वहाँ पे, उस सारी स्थिति के बारे में। और अच्छा, सरकार ने अपने स्तर पर जो है, लोकल गवर्नमेंट ने और टेम्पल स्टाफ ने अपने स्तर पर सारे तरीके के जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको इम्पोज कर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट। ओके, एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस। उसके अलावा देखिए, नो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम्स इन तेलंगाना दिस ईयर, इस साल सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कोई सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये तेलंगाना सरकार का, एजुकेशन मिनिस्टर का डिसीज़न है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा आर्टिकल्स अगर बचते भी हैं कुछ एक दो आर्टिकल्स, तो आप उन्हें लीजिए, डिस्कस कीजिए, और मेरे साथ में भी कोई क्वेरीज़ अगर आपको आ रही है तो वो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप दीजिए मुझे उस क्वेरी को, उस क्वेश्चन को, उस डाउट को, हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। इसके अलावा और कोई सजेशन या कुछ भी आपकी तरफ से होता है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, वी आर
here to listen you only. We are here working for you only. So please always keep learning, keep watching, always go ahead and be prepared for your exams, because ab दिल्ली दूर नहीं है, है ना? मतलब अब एग्ज़ाम्स दूर नहीं हैं, डेट्स आ चुके हैं और अब बकल अप करने का टाइम आ चुका है. सो स्टॉप योर लेजीनेस एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड.